सोलन के किसान आजकल की हो रही बारिश से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टमाटर की फसल खेतों में लहलहा रही है और मंडियों में उन्हें उसके मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं। बेशक कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन इस संकट में भी सोलन का किसान मायूस नहीं है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। सोलन की नकदी फसल टमाटर है, जिसे लाल सोना कहा जाता है। इस लाल सोने ने लॉकडाउन से किसानों के मुरझाए चेहरों पर भी रंगत ला दी है। सोलन के किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी बारिश हुई है वह समय पर हो रही है, जिसमें उन्हें बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए उनकी टमाटर की फसल इस बार बेहद अच्छी हुई है। यही नहीं, उनकी फसल के दाम भी उन्हें बेहद अच्छे मिल रहे हैं। वे कामना करते हैं कि अगले वर्ष भी उन पर इसी तरह मौसम मेहरबान रहे, ताकि वे कोरोना से हुए घाटे को भविष्य में पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि पहले बारिश बेहद ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से टमाटर की फसल को बेहद नुकसान पहुंचता था, लेकिन इस बार संतुलित बारिश होने की वजह से वे बेहद खुश हैं। देखिए, जो बारिश हो रही है वो लगभग काफ़ी अच्छी हो रही है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और फसलों के लिए भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। इस बारी जो है टाइम टाइम की बारिशें हो रही है और हमें टमाटर के लिए बारिशें बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होने से टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो टाइम टाइम की वर्षा हो रही है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और टमाटर हमारे जो है बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे हैं। टमाटर मंडी में बहुत अच्छा बिक रहा है और इसके साथ साथ जिमीदार काफ़ी खुश भी हैं। तो हमारी यही अपील होगी कि जिमीदारों को हर साल यही रेट मिले, ऐसा ही। बाकी मौसम के ऊपर तो भगवान के हाथ में है बात कि मौसम अगले साल कैसा होता है, परंतु इस साल जो है मौसम बहुत अच्छा और बहुत ही सुहाना मौसम है। टाइम टाइम की वर्षा हो रही है और टमाटर बहुत अच्छा बिक रहा है।